स्टेयरिंग है गाड़ी की तरह एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ इस नॉब को खींचिए और यहाँ से आप टिल टेलीस्कोपिक कर सकते हैं इसको, और यहाँ अपनी रीच वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं NBT ऑटो में। दोस्तों फाइनली सोनालिका ने अपनी नई 5 सीरीज को अनवील कर दिया है, मतलब ग्लोबल अनवील है ये, और सोनालिका ने दर्शाने की कोशिश की है कि उनका आने वाला लक्ष्य क्या है ग्लोबल बेसिस पे। तो ये जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है सोनालिका का एस सीरीज का 110, और यहाँ पे आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ इस ट्रैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं इसके बोनट को खोल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4000 सीसी का यहाँ पे आपको डीजल इंजन मिल जाता है इस ट्रैक्टर में, और देख सकते हैं कितना बढ़िया सा यहाँ पे इसके जो ये बोनट है इसका डिज़ाइन दिया है। अब हेडलैम्प्स देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने मिलते हैं, जो आपको गाड़ी में भी देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब गाड़ी वाला पूरा फील देगा ये ट्रैक्टर जब आप इसके अंदर जाएंगे। अभी मैं अंदर जाऊँगा तब आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा इस बारे में। बाकी अगर आपको इसका बोनट वगैरह खोलना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितने बड़े टायर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और दूर से जब आप इस ट्रैक्टर को देखेंगे ना तो मिनी जेसीबी वाला फील देता है, और बहुत ही एग्रेसिव और मॉन्स्टर लुक ये सामने से देखने में लगता है इसका। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक हम इसकी और चीज़ें दिखाते हैं आपको। अगर मटेरियल वगैरह की बात करें इस ट्रैक्टर की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लास्टिक वगैरह का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, मतलब ट्रैक्टर को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप 100 लीटर तक का डीजल इस ट्रैक्टर के लिए स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ एड ब्लू वगैरह देख सकते हैं आप यहाँ पे, और तमाम तरह के यहाँ पे प्रोटेक्शंस वगैरह दिए गए हैं। अब आते हैं इसके इंटीरियर की ओर। तो इंटीरियर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम जेसीबी जैसा दरवाज़ा खुल रहा है, मतलब अब अंदर चल के देखते हैं आखिरकार फील कैसी है यहाँ पे। तो अब अंदर आ गया हूँ इस ट्रैक्टर के, और यहाँ पे जो फील है वो बहुत ही अलग है, मतलब हिंदुस्तानी ट्रैक्टर और ग्लोबल ट्रैक्टर आप अंतर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब यहाँ म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ पे लाइट वगैरह का कंट्रोल है, यहाँ पे एसी वगैरह का कंट्रोल है। और एसी कितने इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10, 11 एसी इवेंट्स मिल जाते हैं, मतलब गाड़ी जितने एसी इवेंट्स इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कैबिन लाइट वगैरह के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह भी हैं आपको, और यहाँ पे तमाम तरह के नए फीचर्स दिखाता हूँ आपको कि इस ट्रैक्टर में आप अपना जो स्टेयरिंग है गाड़ी की तरह एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ इस नॉब को खींचिए और यहाँ से आप टिल टेलीस्कोपिक कर सकते हैं इसको, और यहाँ अपनी रीच वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा आपको गाड़ी वाला फील देगा इसका स्टेयरिंग व्हील। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि बार बार इस ट्रैक्टर में आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप इसको बस ऐसे यहाँ से आगे कर दीजिए और फिर रेस देंगे तो ये ट्रैक्टर आगे बढ़ता रहेगा, और इसको जब ऐसे नीचे कर देंगे तो ये ट्रैक्टर पीछे आता जाएगा अपने आप। और बाकी तमाम तरह के स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और MID, डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पे तमाम तरह के आपको नॉब्स देखने को मिल जाएंगे, आप अपने गियर वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं, और इसमें आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं गियर्स को, ऑटोमेटिकली भी चला सकते हैं, तो मतलब आपके पास पूरी सुविधा रहेगी। और इसका कैबिन इतना शांत है, यहाँ से बस गेट बंद कर दीजिए और अब बाहर की एक रत्ती भर भी आवाज़ इसके कैबिन में नहीं आ रही है, मतलब बहुत ही शानदार है। और अगर आपको यहाँ पे कभी ऐसा फील हो गया हवा वगैरह कम है, इसको यहाँ पे ऐसे खोल दीजिए, यहाँ से थोड़ा वेंट आ जाएगा। और साथ ही साथ आप ये जो शीशा है ना पीछे वाला, इसको भी आप ऐसे खोल दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे सिस्टम हर चीज़ का दिया गया हुआ है। मतलब आप इस ट्रैक्टर को समझिए, अगर ये ट्रैक्टर आपने खरीद लिया तो आपके हो जाएंगे मज़े, और आपको अगर किसानी खेती करनी है तो वहाँ पे आपको ये ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा सुविधा देने वाला है। बाकी तमाम तरह के यहाँ पे आप लीवर गियर्स वगैरह देख सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इंटीरियर इसका, आप बाहर से देखते हैं क्या कुछ चीज़ें और बाहर हैं। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, देखिए हाइड्रोलिक्स वगैरह भी आपको बढ़िया इधर गेट पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप पीछे वाला टायर देखेंगे, इतना चौड़ा और बड़ा सा यहाँ पे टायर है, प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है हल्का हल्का यहाँ पे। बाकी रेयर में आप अब आके देखेंगे तो आप कितना भी सामान यहाँ पे आराम से लेके जा सकते हैं, कोई ऐसी सच दिक्कत नहीं होने वाली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेयर में भी वाइपर दिया गया हुआ है, यहाँ पे सारी मतलब ये रिवर्स लाइट वगैरह भी दी गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग से भी लैंप दिया गया है आपको। और एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ आपको कि इसका जो ये साइलेंसर है इसको कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कवर किया गया हुआ है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मतलब
छूना नहीं है ऐसे गर्म है बहुत ज़्यादा, जल जाओगे नहीं तो हाथ जल जाएगा, इंजरी हो सकती है। तो ये था सोनालिका का एस सीरीज का ट्रैक्टर। अब मैं आपको दूसरी सीरीज पे लेके चलता हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ है। दोस्तों ये है अगला ट्रैक्टर सोलिस का, एन सीरीज का N90। अब इसमें क्या है, 90 का मतलब है यहाँ पे कि 90 HP का ये पावर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जब आप इस ट्रैक्टर को देखेंगे तो डिज़ाइन लगभग सेम जैसा ही दिखेगा, मतलब जो पहले ट्रैक्टर देखा था 110 HP के जो पावर प्रोड्यूस करता है उसके जैसा ही। इसमें भी आपको 4000cc का इंजन ऑप्शन मिलता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि पहले वाले जो ट्रैक्टर देखा था उससे ये कम चौड़ा है, मतलब ये कम जगह लेगा जब आप इस ट्रैक्टर को चलाएंगे। बाकी यहाँ पे जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं ये है वेट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसका जो कैबिन है वो काफ़ी मतलब पीछे की तरफ वेट ज़्यादा ना रहे, तो ऐसा ना हो कि यहाँ से आगे से उठ जाए, इस चीज़ के लिए यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको वेट दिया गया। और यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं गाड़ी जैसे। बाकी अब आते हैं इसके कैबिन में, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ बदल जाता है जब इसके कैबिन में आते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 60 लीटर की आपको डीजल की कैपेसिटी मिल जाती है, और एड ब्लू यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसकी हाइट पहले वाले के मुकाबले कम है क्योंकि इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया है मीडियम रेंज के किसानों के लिए, मतलब जो थोड़ा सा कम जिनकी खेती बाड़ी हो या उनको एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान लादने और ले जाने के लिए चाहिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इस ट्रैक्टर में आपको 12 गियर्स मिलते हैं आगे जाने के लिए और 12 मिलते हैं पीछे जाने के लिए। बट जब आप वो वाला ट्रैक्टर देखते हैं ना, पीछे वाला जो था उसमें आपको 24 गियर मिलते थे फॉरवर्ड जाने के लिए और 12 रेयर में जाने के लिए। तो मतलब इतनी डाइवर्सिटी रखी है सोनालिका ने अपने इन ट्रैक्टर्स में। बाकी इसमें भी आपको तमाम तरह के वो फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इसको भी आप हाइट और रीच के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको रेस वगैरह के लिए यहाँ पे ऑफर किए गए हैं सारी चीज़ें यहाँ पे। हालांकि इसका जो कैबिन है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है उस वाले के मुकाबले। बाकी यहाँ पे फीचर्स वही मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आपको सनवाइजर का भी देखा आपने ट्रैक्टर में, यहाँ पे आपको सनवाइजर मिल जाता है। और इसको बंद करना है तो कैसे, एक स्विच दबाइए और ये सनवाइजर आपका बंद हो जाता है। बाकी यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह है, म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ पे देखिए स्पीकर सिस्टम सब इधर ही आपको दिया गया हुआ है। मतलब भरपूर एकदम मॉडर्नाइज ट्रैक्टर है, एकदम मजा आ जाएगा जब आप इसको चलाएंगे। बाकी यहाँ पे देखिए आपको पीटी वगैरह का भी यहाँ पे आपको गियर दिया गया हुआ है। यहाँ पे आपको हाई लो करने के लिए गियर बॉक्स है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको तमाम तरह के गियर्स दिए गए हुए हैं। और अगर आपको कभी क्लॉस्ट्रोफोबिक ना फील हो तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे आपको हवा आने जाने के लिए यहाँ पे पूरी सुविधा है। कुछ भी कहो, कैबिन तो बहुत बढ़िया लगता है इसका देखने में। और यहाँ आप पीछे खोल सकते हैं इसको, हालांकि इसमें आपको थोड़ा कम स्पेस मिलता है, और हालांकि ये थोड़ा सा छोटू ट्रैक्टर लग रहा है उस वाले के मुकाबले, क्योंकि अब बनाया भी उसी हिसाब से है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये म्यूजिक सिस्टम का डब्बा रखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब सारी सुविधा का ख्याल रखा है, किसान भी मतलब अब मज़े से खेती कर सकता है यहाँ पे। आइए अब देखते हैं पीछे क्या कुछ है इस ट्रैक्टर में। तो पीछे आप यहाँ पे जब आते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा नॉर्मल टायर दिया गया है, जो आजकल मतलब हिंदुस्तानी ट्रैक्टर्स में आपको देखने को मिलता है उतना ही बड़ा यहाँ पे टायर दिया गया हुआ है। अब पीछे जब आप आते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी वे कैपेबिलिटी है, मतलब ये अच्छी खासी लोड कैपेसिटी है इस ट्रैक्टर की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम तरह की चीज़ें जो आपको ट्रैक्टर में देखने को मिलती है वो यहाँ पे हैं आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देख सकते हैं रियर वाइपर, और यहाँ पे रिवर्स लाइट वगैरह है, फिर यहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह रखना चाहें तो वो है। बाकी आपको यहाँ पे प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है। बाकी कैबिन वैसे देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है इस ट्रैक्टर का। अब इसका साइलेंसर आप देख सकते हैं कितना छोटा सा यहाँ पे प्यारा सा साइलेंसर है इसका। और गलती से भी कभी यहाँ हाथ ना रख दें आप, उस चीज़ का भी यहाँ पे सोनालिका ने ख्याल रखा हुआ है, पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है इसको, आपको कुछ भी इंजरी नहीं होने देगा ये ट्रैक्टर। बाकी आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी एक्साइटिंग कंटेंट को मिस ना कर सकें।